Hello everyone, welcome to my channel और welcome to my series of reality transurfing. आज हैं हम day 14 पे. Day 14 एक बहुत ही beautiful day है. इसमें अब हम अपने आप को recognize कर रहे हैं. अब हम अपने आप को love करना शुरू करेंगे. Loving yourself, ये है आज की statement. और आप ये कह सकते हैं loving myself. जब आप अपने आप को love करते हैं, उसके बाद ही आप किसी और को love कर सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है? सेल्फ, ये एक सेल्फ लव की टेक्निक है. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आपको ईगो आ जाए या आपको ये हो जाए कि मैं ही बेस्ट हूं. ये नहीं है मतलब सेल्फ लव का. सेल्फ लव का मतलब है कि मेरे में जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं. उसमें जब आप अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका मतलब क्या है कि आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि, संरचना जो भगवान ने आपकी की है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. हर इंसान बैलेंस्ड होता है. हर इंसान में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो हमारा नजरिया होता है. आप हर समय बिल्कुल कंप्लीट हैं, हर समय बिल्कुल अच्छे हैं. आप अपने आप में जब अप्रिशिएट करने लगेंगे तो आपको दुनिया भी अप्रिशिएट करेगी. जो चीजें आपको अपने आप में बहुत अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छी लगनी शुरू होंगी. आप अपने आप को मिरर में देख के सेल्फ लव करें. आप अपने आप को जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो अप्रिशिएट करें कि मैंने किसी की हेल्प करी, मैंने किसी को अप्रिशिएट किया, वो भी एक अच्छी आदत है. जब आप अपने आप को धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगेंगे तो चीजें अपने आप आपको अट्रैक्ट होंगी. आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. आप अपने आप को ऐसे कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप दूसरों की हर एक अच्छी थॉट्स दे रहे हैं, दूसरों को अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ये भी एक अच्छी सेल्फ लव की बात है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी लुक्स कैसी है. जब आप मिरर में देख के अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो जो वर्ड्स, मैं बहुत बार ये चीज कह चुकी हूँ कि यूनिवर्स हमारा एक मिरर है, यूनिवर्स एक रिफ्लेक्टर है, यूनिवर्स एक रिफ्लेक्शन है. आप जो मिरर में देख के कहते हैं वही, जैसे हम मिरर में देखते हैं जो बाहर होता है वही हमें दिखता है, उसी तरह से आप जैसे जैसे शब्द बोलेंगे, जो चीजें देखेंगे, जो चीजें बोलेंगे, जो चीजें सोचेंगे, वही चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होके वापिस आएंगे. ये मैं बहुत बार कहती हूँ कि जो चीज आप बाहर देंगे, आप मनी बाहर देंगे, गुड विशेस देंगे, किसी को हेल्प देंगे, किसी को खाना देंगे, वो चीजें आपकी मल्टीप्लाई होके वापस आएंगी. उसी तरह से थॉट्स हैं. जब मैं कह रही हूँ कि किसी को बाहर दे रहे हैं, आप मिरर में भी देख के जब अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, जब अपने आप को लव करेंगे, तो वो चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. ये एक बहुत पावरफुल चीज है और ये इतना आसान तरीका है पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने का. जब हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड करें, तो ये भी तो ग्रैटिट्यूड है. अपने आप को लव करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, उसका मतलब क्या है कि आप गॉड को अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी संरचना की है, आपको बुद्धि दी है, आपको ये बॉडी दी है, आपको ये इतनी अच्छी हेल्दी बॉडी दी है. ये है लविंग माइसेल्फ, लविंग योरसेल्फ. आप अपने आप को लव करेंगे तो दुनिया आपको लव करेगी. वही चीजें आपके पास वापस आएंगी. सो जो जो चीज आपको अपने में अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करें, जो जो चीजें आपको अपने में बहुत अच्छी नहीं लगती उनको भी अप्रिशिएट करना शुरू करें और वो भी मल्टीप्लाई होके वापिस आएंगे. सो ये था हमारा डे 14. अब हम चलेंगे अपने डे 15 पर.